दोस्तों भोले भंडारी, आज दिनांक 10 अगस्त 2021 है। हमारा महान भारत आंदोलन द वर्ल्ड फैमिली मूवमेंट यूट्यूब चैनल मिशन ग्रेट इंडिया, आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी, ये सब क्या है? देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी ये महादेव के चमत्कार हैं, ये महादेव के चमत्कार हैं। आज हम इसको दूसरे स्टाइल में आपके सामने पेश कर रहे हैं। महादेव एक बड़ी चीज़ हैं। आप यदि इसी तरह से करते जाएं जैसे हमने किया, तो इस बात की बड़ी संभावना है कि आपको भगवान शिव का प्रत्यक्षीकरण होगा। आप हर एक चीज़ में उनका चमत्कार देखेंगे। हमारा आज का विषय, अब भारत धुआं धुआं होगा, अब भारत धुआं धुआं होगा, ये सब भी अच्छे अच्छे के लिए होगा, यह सब भी अच्छे अच्छे के लिए होगा। हमारे हुक्मरान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे हुक्मरान बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। देखो हम यहाँ भूल गए, क्योंकि वे एक ईश्वरीय प्रदत्त काम कर रहे हैं। देखिए जी, आज आप कहोगे कि भाई क्या कहने लगे, अब भारत धुआं धुआं होगा, ये सब भी अच्छे अच्छे के लिए होगा, हमारे हुक्मरान बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि वे एक ईश्वरीय प्रदत्त काम कर रहे हैं। दोस्तों अब भाई, एक तो आपको शायद ये अच्छा नहीं लगेगा कि भारत धुआं धुआं होगा, लेकिन ये हम तो बहुत दिनों से कहते आए हैं, और कोई चीज़ का धुआं धुआं होना कोई बुरी बात नहीं है। असल में तो इस अद्भुत संसार में जो भी कुछ होता है वो अच्छे अच्छे के लिए होता है, चाहे हमको वो बुरा ही लगता हो। जैसे अपन देखते हैं कि आदमी को बुखार आता है, तो भाई वो बुखार क्यों आया, ये तो नहीं आना चाहिए, लेकिन वह बुखार हमारे शरीर में पैदा हुए रह गए विजातीय द्रव्यों को बाहर निकालने के काम आता है, विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है, इसलिए वो बुखार आकर हमारी भूख को बंद करता है और हमारा प्योरिफिकेशन होता रहता है, शुद्धिकरण होता रहता है शरीर का, और वो तब तक होता है जब तक कि शरीर का वह सिस्टम पूरी तरह से अपना काम नहीं कर देता, शरीर को क्लीन नहीं कर देता। लेकिन हम क्या है कि इस सिस्टम को नहीं समझते हुए झट से दौड़ पड़ते हैं कि वह गोली लाओ भाई और इस बुखार को बंद करो। भाई वो बुखार तो ना बड़े अच्छे के लिए आया है, लेकिन हम इस विज्ञान को समझते नहीं हैं। ऐसे ही देश और दुनिया के शरीर में, उसके जीवन में जो भी जो आता है, जो उठा पटक आती है, धुआं धुआं आता है, कभी युद्ध आते हैं, ये भी बड़े अच्छे अच्छे के लिए आते हैं, क्योंकि ये इस बात का प्रमाण है कि राष्ट्र के जीवन में कुछ बुरा कुछ विजातीय पदार्थ, कुछ पाप घुस गया है, कुछ गंदे विचार घुस गए हैं, इसलिए यह उस शरीर की सफाई करेगा। देखिए ये बड़ी वैज्ञानिक बात है, ये उस शरीर की सफाई करेगा, इसलिए ये कोई बुरी बात नहीं है कि अब भारत धुआं धुआं होगा, क्योंकि धुआं धुआं होने की जरूरत है, इसने पाप किए होंगे, कुछ विजातीय पदार्थ इकट्ठे हो गए होंगे, लोगों से बुरा हुआ होगा, यह सब भी अच्छे अच्छे के लिए होगा, क्योंकि वह उन सारी बुराइयों को नष्ट करेगा। हमारे हुक्मरान बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। भाई मंगल, तुम तो कहते थे ये ऐसा है। देखो मुझे पता तो था कि हर एक चीज़ प्लस माइनस निगेटिव का भी क्या है, लेकिन हम नॉर्मल आदमी होते हुए यही सोचते हैं कि भाई यह तो बुरा हुआ,
इसलिए आज ये हम जो बता रहे हैं कि भाई ये अच्छी भी चीज़ है, बुरी भी चीज़ है, लेकिन कोई भी चीज़ अच्छी और बुरी दोनों होती है। हमारे हुक्मरान जो कर रहे हैं, जो बहुत बुरा बुरा काम कर रहे हैं पब्लिक के लिए, लेकिन ये डिवाइन सिस्टम में बहुत अच्छा काम हो रहा है। अच्छा काम कैसे हो रहा है? क्योंकि ये लोग एक ईश्वरीय प्रदत्त काम को कर रहे हैं। ये जो धुआं धुआं कोई देश होने वाला है धीरे धीरे, जो धुआं धुआं कोई देश होने वाला है धीरे धीरे, ये आजकल अपने कामों से, ये लूट खसोट से, ये ईवीएम की चोरी से, ये वियतनाम की चोरी से, और ये ऐसा करके उस स्पीड को तेज कर रहे हैं, उस स्पीड को तेज कर रहे हैं कि धुआं धुआं जल्दी हो, लपटों से जल्दी गिरे, जिससे कि देश का प्योरिफिकेशन हो, जिससे कि आगे की जीवन यात्रा के लिए रास्ता बने। चाहे उसको फिर दोबारा ऐसे देख लो, चाहे हमारे पेट की गड़बड़ियों की वजह से होता हो, चाहे शरीर में कोई कैंसर सेल्स इकट्ठा होने से होता हो, जो कैंसर सेल्स ऐसी हो गई कि भाई यह तो बिस्तर पर पड़ा है और हम कहते हैं कि भाई भगवान इसको अब उठा ले। आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। कोई भी काम बुरा नहीं होता। अब ये जो लोग काम कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव काम कर रहे हैं, तो ये कोई अच्छा काम नहीं है। देखो, अच्छा काम कर रहे हैं भगवान की दुनिया में, यहाँ पर अच्छा काम नहीं कर रहे, क्योंकि ये नेगेटिव एंटिटीज हैं। लेकिन उन नेगेटिव एंटिटीज को भी अपना काम करने के लिए भगवान ने बनाया है। जैसे आप एक उदाहरण देखिए कि जैसे लकड़ी में क्या है कि घुन लग जाता है, लकड़ी में घुन लग जाता है, और बहुत से दूसरे कीड़े मकोड़ों में जंगल की लकड़ियों में उनको सड़ाते हैं और उनका डिके करते हैं। तो ये क्या है कि हमें ऐसा लगता है कि भाई ये घुन लग गया, ये जो ऐसा हो गया, इसने हमारा नुकसान कर दिया, लेकिन वह एक ज़रूरी सिस्टम है जो भगवान ने उसके लिए बनाया है। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ और इसका क्या अर्थ है। हम तो एक विज्ञान के विद्यार्थी थे और हमको क्या है कि भगवान ने ये चमत्कार दिखाया, इसलिए हम चाहते हैं कि आप भी भगवान शिव के चमत्कार देखें। लेकिन वो चमत्कार जो आप देखेंगे, इसमें हम थोड़ा सा बता दें, ये चमत्कार आपको मंदिरों में जाने से नहीं मिलेगा, यह चमत्कार आपको दूध चढ़ाने से नहीं मिलेगा। इसका सीक्रेट समझ लीजिए, वह भी थोड़ा बहुत कभी कर लें, कोई बात नहीं है, लेकिन यह चमत्कार आपको कैसे मिलेगा? महादेव आखिरकार कौन होता है? महादेव इस समस्त ब्रह्मांड का मालिक, जिसने ब्रह्मांड को बनाया और जो संचालित करता है, उस महादेव के पूजने से ज़्यादा, उस महादेव की प्रार्थना से ज़्यादा महादेव के बच्चों की सेवा है। सुन लो, महादेव को पूजने से ज़्यादा, उसकी प्रार्थना करने से ज़्यादा महादेव के बच्चों की सेवा है। यदि हम पाखंड करेंगे, ढोंग करेंगे महादेव के बच्चों की, मतलब कि जीव दया नहीं करेंगे, जीवों की सेवा नहीं करेंगे और ऊट पटांग काम करेंगे, तो आदमी के जीवन में बुरा बुरा होता जाएगा। ऐसे करिए, महादेव के बच्चों की सेवा, चाहे जल चढ़ाओ या मत चढ़ाओ, आपको उसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिलेगा। मेरे कम से कम चमत्कार का यही रीज़न है, और यही रीज़न बड़ा चीज़ है जब मैं देखता हूँ कि मैंने ऐसा किया क्या था जो खुद भगवान शिव परम ब्रह्म परमेश्वर मेरे पास आए। इसलिए आप अभी से इसका रहस्य समझ लीजिए कि महादेव के चमत्कार आपको क्यों होंगे, और इसमें कमेंट करिए, कम से कम महादेव तो लिखिए। आप जितना करेंगे उसी हिसाब से आपको मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा।
आपको कुछ समझ में नहीं आता तो यही देखिए कि भाई ये हम उसके लिए कर रहे हैं जो मंगल भाई का महादेव है, जो उसको मिला, और आपका जीवन अद्भुत भेंटों से भर जाएगा, सुख शांति संपन्नता से भर जाएगा, ये गारंटी है। धन्यवाद, आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।